जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं, साधक का प्रश्न, भजन किसे कहते हैं, अर्थात भजन का स्वरूप क्या है। उत्तर में महाराज जी कहते हैं, अंतःकरण की वृत्ति का भगवदाकार हो जाना ही भजन है। भजन का दूसरा अर्थ सेवा है, सेव्य को पूर्ण सुख पहुंचाना, उन्हीं के सुख से अपने को परमानंद होना, यह भी उनकी इच्छा के लिए नहीं अपने ही आनंद के लिए, क्योंकि महापुरुषों की सेवा कराने की आवश्यकता नहीं होती। महापुरुषों को सेवा कराने की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार सेव्य के तद्रूप हो जाना ही सेवा का प्रधान लक्ष्य है। अगला प्रश्न, भजन क्यों करना चाहिए। उत्तर में उड़िया बाबा महाराज कहते हैं, हम छोटे हैं, अवगुणी हैं, दीनहीन हैं और दुखिया हैं। इन बातों को दूर करने के लिए भजन करना चाहिए। हम जिसका भजन करेंगे उसी के गुण हम में आ जाएंगे। अतः अपनी थोड़ी सी शक्ति से एवं चाहना कामना को दूर करने के लिए हमें भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान सबसे बड़े हैं, अतः उनका भजन करने से मनुष्य सबसे बड़ा बन जाता है। अगला प्रश्न, भजन करने से क्या लाभ है। उत्तर में महाराज जी कहते हैं, प्रेम किए बिना हमसे रहा नहीं जाता। प्रेम की पराकाष्ठा को पहुंच जाना, प्रेम स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेना ही भजन का मुख्य लाभ है। अगला प्रश्न कि भजन न करने से क्या हानि है। उत्तर में महाराज जी कहते हैं, भजन किए बिना कोई रह नहीं सकता। विषयों का भजन करने से विषयों की प्राप्ति होगी। विषय क्षण भंगुर हैं, इसलिए उनका नाश होने पर दुख होगा। अतः भजन न करने से निरंतर दुखों की प्राप्ति होगी। इससे बढ़कर और क्या हानि हो सकती है। अगला प्रश्न, भजन करने का अधिकारी कौन है। उत्तर में महाराज जी कहते हैं, जो विषयों में दुख देखे अथवा जिसे विषय दुख रूप दिखाई पड़े वही भजन का मुख्य अधिकारी है। जो विषय आनंद में मस्त रहते हैं वे भजन नहीं कर सकते, वे भजन नहीं कर सकते। अगला प्रश्न, भजन करने वालों से पाप कर्म क्यों नहीं छूटते। उत्तर में, इन्हें विषय चिंतन करने को समय मिलता है जिससे पाप होता है। यदि निरंतर भजन करने लगें तो फिर पाप नहीं हो सकते। जन्म जन्मांतरों से विषय सेवन करते आए हैं, इसीलिए एक जन्म का सारा समय भजन में लगावें तो भी थोड़ा ही है, परंतु हम तो उसे भी नहीं लगाते। हम जितना भजन करते हैं उतने पाप तो छूटते ही हैं। अगला प्रश्न, भजन करने वालों को एकांत की आवश्यकता है या नहीं। उत्तर में महाराज जी कहते हैं, एकांत की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि एकांत के बिना विरोधी वृत्ति दूर नहीं होती। अगला प्रश्न, भजन करने वालों को क्या करना चाहिए। उत्तर में महाराज जी कहते हैं, आवश्यकता से अधिक प्रवृत्ति करने से भजन नहीं होगा। अतः अधिकाधिक भजन करना और संसार की ओर से अपने मन को हटाना चाहिए। अगला प्रश्न, महाराज जी मानसिक पाप क्यों होते हैं। महाराज जी कहते हैं, पूर्व संस्कारों के कारण। अगला प्रश्न, यदि कोई मानसिक पाप हो जाए तो उसका क्या प्रायश्चित है। यदि कोई मानसिक पाप हो जाए तो उसका क्या प्रायश्चित है। उत्तर में महाराज जी कहते हैं, सच्चे मन से पश्चाताप करें और भगवान नाम जपें। सच्चे मन से पश्चाताप करें
और भगवान के नाम को जपें। भगवान के नाम में अचिंत्य शक्ति है, इससे अनंत जन्मों के पाप विध्वंस हो जाते हैं। नाम में जितने पापों को जलाने की शक्ति है, उतने पाप मनुष्य एक जीवन में कर ही नहीं सकता। अगला प्रश्न, भगवत गुणानुवाद का प्रभाव दूसरों पर कब पड़ता है? उत्तर में महाराज जी कहते हैं, जब गुणानुवाद करते हुए रोमांच हो जाए और नेत्रों से जल बहने लगे। अगला प्रश्न, भक्ति में मुख्य विघ्न क्या है? महाराज जी कहते हैं, चिंता और क्रोध, ये भक्ति के प्रधान विघ्न हैं। अगला प्रश्न, भगवान का तत्व कैसे मालूम होता है? महाराज जी कहते हैं, भगवान का तत्व मालूम होता है ध्यान से। भगवान का ध्यान उनका रूप जानने से होता है, इसके लिए तत्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न, सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति में क्या अंतर है? महाराज जी उत्तर देते हैं, केवल भगवान को ही चाहना निष्काम भक्ति है और भगवान से कोई अन्य वस्तु चाहना सकाम भक्ति है। अर्थात भोगों की इच्छा सकामता है और केवल भगवान को ही चाहना निष्कामता है। आगे महाराज जी कहते हैं कि भगवान की कृपा तो सभी जीवों पर रहती है, किंतु मन की मलिनता से हमें मालूम नहीं होती। मीराबाई जहर का प्याला पी गई, किंतु उनका कुछ नहीं बिगड़ा। पराभक्ति में ज्ञान भी रहता है और प्रेम भी। श्री नारायण स्वामी जी कहते हैं, पराभक्ति और ज्ञान में तनिको ना ही भेद, नारायण मुख प्रेम है कहे संत अरुवेद। भगवत प्राप्ति के अनेक मार्ग हैं, किंतु एक ही पुरुष द्वारा एक ही समय में सबका साधन नहीं किया जा सकता। इसलिए भक्ति को तो भक्ति बढ़ाने वाले कार्य ही करने चाहिए। देखिए, विषयों में सुख नहीं है, सुख तो केवल एक भगवान श्री कृष्ण में ही है। श्री नारायण स्वामी जी कहते हैं, मन में लागी चटपटी कब निरखूं घनश्याम, नारायण भूल्यो सभी खान पान विश्राम। ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागत ताही, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाही। जगत का चिंतन छूट जाए, श्री कृष्ण का ही चिंतन हो, बस इसी का नाम भक्ति है। जैसे संसारी मनुष्य का किसी स्त्री में प्रेम हो जाता है, तो वह चाहे कोई कुछ भी कहे किसी की नहीं सुनता। इसी प्रकार जिसको श्री कृष्ण प्रेम हो जाता है, उसकी संसार कितनी ही बुराई करे, वह किसी की परवाह नहीं करता। गुरु का अंग, साधु का संग और नाम का रंग, विवेक का अभंग और प्रभु का विश्वास होना आवश्यक है। अर्थात गुरु की सेवा, सत्संग, हरिनाम में प्रेम, विवेक की जागृति और भगवान में विश्वास होने से सब कुछ हो जाता है। अनेक जन्मों के शुभ संस्कार इकट्ठे होने पर श्री कृष्ण में भक्ति होती है। विषय आसक्ति बंधन है, परंतु भगवद आसक्ति बंधन नहीं है, क्योंकि भगवान में आसक्ति होने से विषय आसक्ति नष्ट हो जाती है। आसक्ति किए बिना जब हम नहीं रह सकते, तो फिर हमें भगवान में ही आसक्ति करनी चाहिए। सारा चाहे सगुण साकार में हो, चाहे निर्गुण निराकार में हो, जिस ओर दृढ़ संकल्प होगा उसमें आसक्ति होगी। भगवान के सगुण रूप में प्रेम होने के चार उपाय हैं, भगवान के नाम का जप, उनके गुणों को बार बार कहना सुनना, उनके स्वरूप का ध्यान, उनके भक्तों का संग। भगवान में मन जोड़ने से भगवान में प्रेम हो सकता है। जैसे विषयों के संग से विषयों में प्रेम होता है, वैसे ही भक्तों के संग से भगवान में प्रेम हो जाता है।
जय श्री राधे।